हाल ही में सोलोमन द्वीप देश ने उनके यहाँ आने वाले सभी देशों के युद्ध पोतों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कब तक रहेगा इसको लेकर कोई समय सीमा भी नहीं बताई गई है। ऐसे में दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है कि क्या चीन वहाँ पर अपनी धमक बढ़ाने के लिए कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपके स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा, इसमें ये क्षेत्र है प्रशांत महासागर और उसके बगल में ये इलाका है हिंद महासागर। हिंद यानी हिंद महासागर और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी अंग्रेजी में इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। विशाल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को इंडो पैसिफिक देश कहा जा सकता है। ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर और वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशियन मिलाकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, हर देश अपने हित के मुताबिक इसकी परिभाषा गढ़ता रहता है। दूसरा सवाल कि दुनिया भर के देश यहाँ अपनी पकड़ क्यों मजबूत करना चाह रहे हैं। देखिए, मौजूदा वक्त में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश लगभग शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44%, विश्व की कुल आबादी का 65%, विश्व की कुल GDP का 62% और विश्व के माल व्यापार का 46% योगदान देते हैं। ये एक लगभग वाला आंकड़ा है, कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और इस रेस में सबसे ज़्यादा दो देश आगे हैं, वो हैं अमेरिका और चीन। यानी इसका महत्व मैंने आपको बता दिया, इसीलिए ये सारे देश इस पूरे इलाके पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक दबदबे को पुनर्जीवित करने के लिए इसे अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, लेकिन चीन द्वारा इसे लगातार चुनौती दी जा रही है। अगला सवाल कि सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए, क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण देश सोलोमन द्वीप आता है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी होनियारा है जो कि ग्वाडल कैनाल द्वीप पर स्थित है। मेलानेशिया दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओसिनिया का एक उप क्षेत्र है। अभी हाल ही में ऐसी खबर आई कि चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ है, इससे दुनिया की चिंता थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि इस समझौते में सोलोमन द्वीप में चीनी नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के कदम का जिक्र है। समझौते के मुताबिक चीन के लड़ाकू पोत सोलोमन में रुक सकेंगे और चीन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए पुलिस और सशस्त्र बल सोलोमन भेज सकता है। हालांकि सोलोमन ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि चीन वहां सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। सोलोमन के प्रधानमंत्री मनसेह सोगावरे ने जोर देकर कहा कि समझौता केवल सोलोमन द्वीप समूह की सहायता के लिए था, जिसे उन्होंने एक मुश्किल आंतरिक खतरा बताया था। तो सवाल उठता है कि अभी मौजूदा वक्त में ये द्वीप अचानक चर्चा में क्यों आ गया। देखिए, अभी वर्तमान में क्या हुआ कि सोलोमन द्वीप ने कहा कि वे उनके यहाँ आने वाले युद्धपोतों को दी जाने वाली मंजूरी की जो सरकारी प्रक्रिया है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और इस समीक्षा के दौरान दुनिया भर के देश उनके यहाँ अपने युद्धपोत कतई ना भेजें। सोलोमन द्वीप ने इसको लेकर कोई समय सीमा भी नहीं बताई है कि ये समीक्षा कब तक चलेगी। इससे एक बार फिर से दुनिया के सभी बड़े देशों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि उन्हें आशंका है कि इस दौरान चुपके से चीन वहाँ अपना नेवल बेस बना सकता है। हालांकि सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री ने इस तरह के आशंकाओं का खंडन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक बार सोलोमन द्वीप ने अमेरिका के युद्धपोतों को अनुमति नहीं दी थी, जिसकी वजह से उसके युद्धपोत ओलिवर हेनरी की यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि चीन को इस सोलोमन द्वीप में इतनी दिलचस्पी क्यों है। चीन प्रशांत द्वीप क्षेत्र को यानी जहाँ पर यह सोलोमन द्वीप स्थित है, इस इलाके को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण मानता है। खासकर चीन इस क्षेत्र को अपने तथाकथित यानी सो कॉल्ड एयर सिल्क रूट में
एक महत्वपूर्ण एयर फ्रेट हब के रूप में देखता है। बता दें कि एयर सिल्क रोड एशिया को मध्य और दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। अब प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप समूह की सामरिक स्थिति ऐसी है, यानी रणनीतिक स्थिति ऐसी है, जो चीन के लिए सैन्य दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित हो सकती है। इसीलिए चीन इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा है। एक और अंतिम सवाल ले लेते हैं कि इस पूरे इलाके को लेकर भारत की क्या सोच है। देखिए, भारत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और तत्पर भी है। भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है। भारत चाहता है कि विवाद संबंधी सारे मुद्दे आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जाएं बातचीत करके, और समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और समुद्री क्षेत्र के ऊपर से हवाई जहाज़ों को आने जाने की आज़ादी को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की, यानी सवाल का जवाब अब आपको देना है। आपको कमेंट करके बताना है कि क्वाड संगठन क्या है जिसमें भारत भी एक सदस्य है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।